और गणतंत्र दिवस पर फौजी भाइयों को सम्मानित किया गया। गांव ढावी खुर्द की शाहिद भीम सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी में समाज सेवी विकेश चौधरी ने फौजियों और पैरा मिलिट्री शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। 10 गांव के 225 फौजियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि विकेश चौधरी भट्टू क्षेत्र से जिला परिषद वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं। विकेश चौधरी ने कहा कि मैं फौजी भाइयों का दिल से सम्मान कर रहा हूँ। समाज सेवी विकेश चौधरी हमारे साथ हैं, पूरी जानकारी लेंगे कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है इन्होंने जो फौजी भाइयों को यहां पर सम्मानित किया गया, किस तरीके से ये मन में प्रेरणा आई और पूरी जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे साधना न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, गणतंत्र दिवस के मौके पर आज जो है काफी संख्या में फौजियों को सम्मानित किया गया है, कैसे मन में प्रेरणा आई कि आज के दिन जो सम्मानित करने का फैसला लिया फौजी भाइयों का आपने? 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हुआ था और एक ही है, एक सामाजिक कार्य है, न कि राजनीतिक कार्य है। मैं एक फौजी भाइयों को दिल से सम्मानित कर रहा हूं। मैं ये कोई राजनीतिक कार्य ना होते हुए एक सामाजिक कार्य है और मैं तो वार्ड नंबर 1 के 10 गांव में भी एक सामाजिक कार्य के रूप में ही कार्य कर रहा हूँ, न कि राजनीति के, वोट की राजनीति मैं नहीं करना चाहता। मैं तो एक समाज सेवा की भावना से ही सबकी सेवा कर रहा हूँ। सुनने में आ रहा है कि आपने जो विकास कार्य भी इन गांवों के शुरू करवा दिए, जैसे अगर ढाबी खुर्द में हम आज अगर शहीद भीम सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी की अगर मैं बात करूं तो लेटरिंग बाथरूम बनवाए और कुछ कार्य किए हैं, क्या इसके पीछे क्या मंशा है सर? कहीं जनता का आकर्षित ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं या तो फिर आप जैसे आप वार्ड नंबर 1 से आप चुनाव भी आप लड़ रहे हैं जिला परिषद का, इसके पीछे क्या राज है सर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा ये है कि खेल के स्टेडियम में लड़कियों को ज्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने छोटी ढाबी के अलावा ठुइये के अंदर भी लेटरिंग बाथरूम बनाई है। जहाँ भी जिस गांव में जो डिमांड होती है वही कार्य कराता हूँ। इसके पीछे वोट की कोई मंशा नहीं है। बड़े बड़े नेता आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं और जीतने के बाद भी कुछ नहीं कराते, तो हार जीत का तो किसको पता होता है। मैं तो एक सामाजिक कार्य ही कराना चाहता हूँ और मैं तो जिस गाँव में जिस प्रकार की डिमांड होती है वो कराता हूँ। सबसे ज्यादा कठिनाई लड़कियों को आती है स्टेडियम के अंदर, वो सुबह प्रैक्टिस के लिए आती है तो उनको पेशाब करने में, लेटरिंग में, सब में दिक्कत आती है। और तो मैं तो अनेक गरीब कन्याओं में शादी में भी सहयोग करना चाहता हूँ और कोई गरीब आदमी बीमार हो तो उसमें भी मैं सहयोग करना चाहता हूँ मेरे तय दिल से। आज क्या कहना चाहेंगे सर गणतंत्र दिवस के मौके पर, जहाँ इतने फौजी भाइयों को सम्मानित किया आपने, क्या देशवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि सभी गणतंत्र दिवस के एक भाईचारा बनाए रखे और देश में शांति कायम रहे। और जैसे 3 काले कानून बने थे, इनके खिलाफ हमने सब एकजुट होकर मिलकर लड़ाई लड़ी और कानून वापिस हुए। और सभी देशवासियों को यही कहना चाहूँ भी आगे भी ऐसा कोई कानून थोपा जाए तो इनके खिलाफ हम एकजुट होकर हम अपने हक की लड़ाई लड़े। धन्यवाद। तो ये थे विकेश चौधरी, हमारे साथ समाज सेवी हैं और भट्टू क्षेत्र से जिला परिषद का वार्ड नंबर 1 से चुनाव भी ये लड़ रहे हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि वोट की इनकी कोई मंशा नहीं है, समाज सेवा के लिए मैदान में उतरे हैं और आज भी एक काबिले तारीफ इनका जो मैसेज आज गया है।